नमस्ते भगवान साथ अनकट माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 बजे। 12:30 की ट्रेन है गोवा की, पैकिंग हो चुकी है, उबर आ रही है, निकलते हैं। और हाँ, वीडियोज़ आएंगे गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा ही जा रहे हैं घूमने के लिए दोस्तों के साथ में। पहली बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ मुंबई से गोवा, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है वो सब आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो उबर मिलने के बाद मिलते हैं। 1 घंटे की उबर राइड के बाद आ गए हैं लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन आने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। तब तक यहीं पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। बैठ गए हैं ट्रेन में, जस्ट अभी आई है ट्रेन, पूरी की पूरी खाली है। 45 मिनट्स अभी अभी हैं चलने के लिए, और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ट्रेन से, जैसे कि मैंने पहली बार बताया आपको। देखते हैं कितने मज़े आते हैं, क्योंकि रात के 12:30 बज रहे हैं और 1 बजे स्टेशन पर उतारेगी हमें गोवा के। तो अभी तो बस जाके सो जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने के लिए रहेगा नहीं, और ट्रेन भी खाली है, आई होप इतनी ही खाली जाए। मजा गोवा। 1500 रुपये में टैक्सी मिली है जस्ट। अभी बज रहे हैं 4:30 बजे। जब से आए तब से लेके मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया, आप देख सकते हो मैंने नया वगैरह भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम विला पे आए। विला पे आने के बाद में हमने डिसाइड किया, तो विला वाले ने बोला कि हमें 2 बजे रूम्स देगा। उस टाइम बज रहे थे 11:30-12 बजे समथिंग, तो वी थॉट क्यों ना खाना वाना खाने जाते हैं। सब फ्रेशन अप होके खाना खाने के लिए गए, यहाँ पे विनायक्स करके है, बहुत ही अच्छी जगह थी खाने के लिए, साउथ इंडियन खाया, फिशेस वगैरह। नाउ खाने के बाद में हमने रेंट पे ली स्कूटी, लाइक पंचर थी, टायर सही नहीं था वगैरह वगैरह चीज़ें हुई, मैं क्लिप्स डाल दूंगा। वो सब होने के बाद में अभी तक विला नहीं पहुंच पाए हैं। अब विला जाएंगे, थोड़ा स्विमिंग पूल में जाएंगे और थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, काइंड ऑफ पार्टी करेंगे, और फिर शाम को मिल देखते हैं कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। आज का तो इतना ही प्लान है हमारा। जो हमने स्कूटी ली थी वो ली थी 350-350 रुपये पर हेड पर स्कूटी। स्कूटी तो सही थी, स्कूटी में है कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, जस्ट हवा भरने के लिए उसका नोजल सही नहीं था, तो हवा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो काफ़ी दूर से वापस विला आना पड़ा बिना हवा के, और टायर पंचर भी हो सकता, पंचर तो नहीं फट जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती, ज़्यादा पैसे देने पड़ते, तो इस वजह से चुपचाप से वापस विला आ गए। और आज ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है, कल सुबह उठेंगे, कल सुबह ज़्यादा बाहर जाएंगे और ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। अभी तो हम यहीं पर घूम रहे हैं नॉर्थ गोवा में। सेकेंड डे हमारा गोवा में, सब दोस्त हमारे आगे निकल चुके हैं, बिकॉज कल स्कूटी जो हमारी पंचर हुई थी वो आया था विला पे, पंचर स्कूटी लेके गया, पंचर वापस सही किया, बट अभी जब सुबह वापस से स्कूटी उठाई तो अगेन देखा कि वो पंचर, अब आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, ऊपर हो चुका है, आधे घंटे से वेट करते करते कि भाई आ जा गाड़ी चेंज कर ले, तो अपनी स्कूटी दे जा, हमें दूसरी स्कूटी दे जा। पहले तो ही वॉज लाइक कि हाँ आ रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और दोस्तों को भी ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हम, अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्त तो चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब जाके हमको हमारी स्कूटी चेंज होगी। अब इसमें क्या होता है ना, स्कूटी पंचर है या पंचर सही करवा लो, ऊपर नीचे कुछ होता है ना तो ये लोग बहुत माथे आते हैं, दे आर लाइक ये सही नहीं है, वो टायर ट्यूब फट गया, ये 200 रुपये, ये 500 रुपये, 600 रुपये, ये सब चीज़ें करते हैं। इस बेटर है जैसी है उसको वहीं छोड़ दो। अब विला के पास में थी तो कहीं लेके नहीं गए, वो आए और उसको लेके जाए, इट विल बी मच मच बेटर। बस यही है कि अब वेट करना पड़ रहा, गुस्सा तो बहुत आ रही है, पर अब क्योंकि आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ, गोवा बहुत बार आया, बहुत बार स्कूटी रेंट पे ली है, बहुत ज़्यादा जगह पे घूमी है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्कूटी ख़राब हाथ लगी है। और पंचर थी तो पंचर देख नहीं सकते हैं ना, पहले तो हवा भरी थी, हवा रात भर में निकल के वापस वो फ्लैट हो गया, तो उसको कैसे चेक करें। स्कूटी सही हो चुकी है, पूरा का पूरा टायर चेंज किया, अब आए हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि लंच बन चुका है बिकॉज ऑफ टायर एंड स्कूटी एंड ऑल। 8 जुना कैफे
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आए अंजुना बीच। ऑफकोर्स तूफान की वजह से मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड्स हैं, बीच भी बंद है, इस वजह से टूरिस्ट भी बहुत कम है और टाइड्स यहाँ तक आ रही है। जब मैं लास्ट टाइम आया था अंजुना बीच पे तो हम फुल चल के गए थे वहाँ तक। ये कैफे लिलीपुट है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अभी तो शेक्स भी बंद हो चुकी हैं, खाली पड़ा है पूरा का पूरा। इट्स जस्ट गिनती के टूरिस्ट एंड बहुत सारी हाई टाइड्स। शाम के 5 बज रहे, लश करके की जगह है, इसको आए हैं थोड़ा सन डाउन के लिए। और क्या व्यू है यहाँ से, जस्ट चेक आउट द व्यू। ये अंजुना बीच पर ही है, हमने सोचा कि शाम को क्लब्स वगैरह जाते हैं, पर उससे अच्छा है कि क्लब जाने से अच्छा हमको ऐसा लगा कि सनसेट होने से पहले अगर हम किसी रेस्टोरेंट पर आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और यहाँ पे 8-9 बजे तक रुकने के बाद देन हम जाते हैं वापस अपने विला पे, वहाँ पे पार्टी करते हैं। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं इस साइड पर पहली बार आया हूँ अर्जुना के, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अपने विला से अभी आए हैं हम लोग क्या हो? अभी अपने विला से जस्ट अभी आए हैं कलंगुट बीच खाने पीने के लिए। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और बहुत टाइम बाद कलंगुट बीच जा रहा हूँ। बीच तो बंद है एज़ यूजुअल, पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि आज संडे भी है। मानस, कुछ कहना चाहोगे? फाइनली हम दूसरे दिन भी बीच पे आ गए हैं, ट्रेन से आ गए हैं, पर हम ब्रंच के लिए आए, ब्रेकफास्ट। एक बार तो आपके क्या चैनल पे फीचर हो जाओ भाई। अच्छा, बड़े लोग के चैनल पे एक एक फीचर भाई। हम इतने आलसी, हम इसको घुमाएंगे ना, इसी में से काम को ही लाइट आती है। हाँ, गर्मी में तो खाने के लिए पूरा गोवा छोड़ के तो ऐसे लग रहा है कि बाकी सब जगह खाने में जहर था। तुम यहाँ मेरे के अलग वीडियो आएंगे जिसमें जितने भी यहाँ के लोग सीरीज बाय मानस वो सबसे हिडन हो जाएंगी और फिर वो जाएगी। क्यों ना सीरीज बाय मानस, यस, एपिसोड 1 आरआर, आज ऑफिस के बारे में, आरआर गोवा फेज 1। यहाँ की रेत से मेरे पाँव जल रहे और दिमाग का। अरे और पता नहीं यहाँ पे यहाँ की लहरें बहुत ही ज़्यादा, कैसे बताऊँ, कमीनी है। पहले आपको पास बुलाएंगे जब आप एस्थेटिक वीडियो पैर का बनाने जा रहे हो कि अब अभी और जैसे आप उसके उसमें आ जाते हैं तो अंदर ले लेंगे। आधा गीला, कल मेरा फ़ोन वॉलेट सब गीला हो गया, सब चड्डी। हाँ, तो मैं चड्डी और फ़ोन सीधा अंदर डाल दिया हड़ में। अरे काफ़ी ज़्यादा लहरें आज भी हाई टाइड है काफ़ी। लगता है ओनरशिप लेनी पड़ेगी डिसीजन लेने की। मेरे हिसाब से ना मतलब प्रोग्राम में ना थोड़ा चेंज रहने का। नो फूड स्पॉटेड, ओनली पीपल हैविंग समथिंग ऑन द बीच व्हिच इज कॉल्ड फन एंड नॉट अस। नॉट अस कंप्लेनिंग, हंग्री। हम लोग को स्नीकर भी नहीं मिल रहा है, हंग्री है भाई, हंग्री। ग्रैब द स्नीकर। हाँ, न्यूटन्स पे शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी रात के 12 बजे की, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना अगोदा फोर्ट जाए। अब अगोदा फोर्ट तो हम पहुंच गए, वहां का जो एंट्री टिकट है वो है 30 रुपीज़ स्कूटी के लिए, देन पर पर्सन 25 रुपीज़। पहले ये फ्री हुआ करता था बट आज की डेट में एंट्री के लिए पैसे लगते हैं।
ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है गोवा की हिस्ट्री में। ये फोर्ट 16 सेंचुरी में बना था, पोर्चुगीज ने बनवाया था डच लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस फोर्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। बहुत ही पुराना फोर्ट होने के बावजूद यह आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिखेगा। फोर्ट के साथ साथ आपको लाइट हाउस भी दिख जाएगा जो कि 16 सेंचुरी का है। एक टाइम पे ये फोर्ट एशिया का बिगेस्ट वाटर स्टोरेज फोर्ट हुआ करता था, तो आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ग्रैंड था। अगर आप इसको हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो म्यूजियम में जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोर्ट से घूम के आ गए बैक इन अवर विला और अब जा रहे हैं वापस स्विमिंग पूल में, क्योंकि रात के 12 बजे की फ्लाइट है हमारी वापस। आज सिर्फ 2 या 3 दिन की ट्रिप थी गोवा की छोटी सी, तो मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो हमने की, जहाँ जहाँ चीज़ें हम गए, ज़्यादा जगह गए नहीं, मोस्टली चिल्ली कर रहे थे, उसका एक ही वीडियो बना दिया है। और ये है हमारा मेन एरिया विला का, जहाँ पे सब बैठते हैं। ये किचन है, ऊपर रूम्स थे और ये वॉशरूम है अलग से, और बाहर मस्त हमारा पूल है। हमारी बस पैकिंग हो चुकी है और लास्ट कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। 12:30 की फ़्लाइट है जो बेंगलोर से होते हुए मुंबई जाएगी, शाम रात के 4 बजे तक उतारेगी। तो इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग फ्लाइट, तो देखते हैं फ्लाइट कैसे जाती है और क्या होता है। आ गया।